Hi guys, welcome back to my channel. Please press the bell icon so you get the notification whenever I upload the video. So today we are going to discuss about the zebrafish as a model. कि क्यों zebrafish जो है हमारी वो as a model use की जाती है. तो zebrafish as a model for biotechnology और various other purposes जो है हमारी use की जाती है. तो उसके हम पहले फीचर्स पढ़ते हैं कि उसमें ऐसे क्या फीचर्स हैं जो वो एज अ मॉडल जो है वो यूज़ की जाती है. सबसे पहले ये हमारा एक वर्टिब्रेट मॉडल है, मतलब कि ये पहली ऐसी फिश थी जो एज अ वर्टिब्रेट मॉडल जो है वो अपीयर हुई. यूज ऑफ जेब्रा फिश एज अ मॉडल कब स्टार्ट हुआ हमारा, 1960s में जो है इसका एज अ मॉडल जो है यूज होना स्टार्ट हो गया था. इसका जो कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस है वो हमारा 2013 में पब्लिश हुआ था. उसके बाद से तो ये और ज़्यादा डिमांड में आ गई क्योंकि उसका पूरा जीनोम सीक्वेंस अवेलेबल है हमारे पास, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट हम उसमें म्यूटेशन करके हर एक जीन का पता लगा सकते हैं. और भी काफ़ी सारे पर्पसेस हैं जो कि अब हमें जीनोम सीक्वेंस पता है तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है उस मॉडल को एज अ मॉडल यूज़ करना उस ऑर्गेनिज्म को. तो उसके बाद से तो जैब्राफिश जो है बिल्कुल कॉमन हो गई किस मॉडल की तरह यूज़ होने के लिए. ये क्वाइट स्मॉल है बाकी वर्टिब्रेट मॉडल्स अगर हम देखें जो हम रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं उनसे ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए भी इनको जो है एज अ मॉडल यूज़ किया जाता है. इस जो अडल्ट फिश है वो सिर्फ हमारी 3 सेंटीमीटर या फिर उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा जो वो ग्रो करती है लेंथ में, वरना यूजुअली वो 3 सेंटीमीटर तक ही रहती है. तो वही इसका स्मॉल साइज़ है तो इसको मेंटेन करना भी ईजी है काफ़ी ज़्यादा. अब इसका जो जीनोम है कितना है वो 1505581940 base pair जो है इसमें होते हैं, और 26,247 जो है इसमें प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, मतलब कि इतने तो इसमें बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं और 26,247 जो है हमारे वो प्रोटीन कोडिंग जीन्स जो है वो इसमें प्रेजेंट है. तो इन सब के बारे में हमें पता है, अवेलेबल है हमारे पास इनके ऊपर इनके बारे में इंफॉर्मेशन, तो इनको यूज़ करना जो है वो ईजी हो जाता है. अब ये जो है हमारे 6 से 7 days जो है वो सर्वाइव करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब अगर इसकी जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये 6 से 7 days जो है हमारे वो सर्वाइव करते हैं उसके बाद, मतलब जो इनका रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो इसलिए भी इन्हें जो है वो यूज़ करते हैं. हाई स्पीड ऑफ, वही मैंने बताया हाई कि इनके जो डेवलपमेंटल रेट है वो हाई है, तो हाई स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है 72 आवर्स. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो 72 आवर्स होते हैं उसमें ये अपनी एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट कर लेंगे. मोस्टली जो ऑर्गन्स हैं वो इनके फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब इनका जो डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव रेट है या फिर लाइफ स्पैन कह लो वो ज़्यादा नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी जो है इनके बारे में पढ़ सकते हैं, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. इसलिए इनको भी एज अ ज़ेब्रा फिश जो है वो यूज़ किया जाता है. और क्या है कि इनकी एक ट्रांसपेरेंसी है, मतलब इनकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये हमारा एडवांटेज है कि हम रियल टाइम लाइफ इमेजिनिंग कर सकते हैं, मतलब कि कैसे कैसे ऑर्गन डेवलप्ड हो रहे हैं तो वो हम देख सकते हैं खुद से, एडवांटेज है वो हमारे लिए. और क्या है इसमें कि जो हमारे अमाउंट ऑफ ड्रग्स यूज होते हैं टेस्ट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होंगे. अब इसका साइज स्मॉल है, सब कुछ स्मॉल है, तो जो हमें ड्रग्स की रिक्वायरमेंट होगी वो भी तो स्मॉल होगी ना, तो ड्रग्स की रिक्वायरमेंट स्मॉल है तो हमारे जो रेट है वो भी कम, जो इसका मतलब कॉस्ट है वो भी कम हो लगेगी इस मॉडल, अगर हम इसको एज अ मॉडल यूज करते हैं. वही ये सब चीज़ें और भी काफ़ी हैं जैसे कि ट्रांसपेरेंसी एंड ईज ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, वही कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, हम जेनेटिक मैनिपुलेशन इजीली कर सकते हैं इसमें, और जेब्रा फिश जो रिजल्ट करेगा डिफरेंट लाइंस ऑफ टाइप्स ऑफ बायोसिस में तो हम वो उनको इजीली पढ़ सकते हैं बिकॉज इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है. 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है ये प्रोड्यूस कर सकते हैं वीकली इंटरवल के टाइम पे ही, सिर्फ ये 100 ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, क्वाइट हाई नंबर है ये. तो वो उस पर साइंटिस्ट के लिए वो है ना कि वो एम्ब्रियोज की स्टडी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते में ही अगर 100 मिल रहे हैं तो एक भी खराब हो गया, दो भी खराब हो गए, भाई 100 हैं, तो वो इजीली जो है वो अच्छी रिसर्च कर सकते हैं उन पर अलग अलग तरीके से. और क्या है कि जो हम एग्स फर्टिलाइज करें वो आउटसाइड द मदर बॉडी, मतलब एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है इसमें, तो ये आइडियल मॉडल है कि हम पूरी अर्ली डेवलपमेंट जो है वो इनमें इजीली पढ़ सकते हैं. सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है ये शेयर करते हैं, ह्यूमंस का जो स्ट्रक्चर है उसी से सिमिलर इनका भी होता है जेनेटिक स्ट्रक्चर. 70% जो हमारे जीन होते हैं वही इनमें होते हैं.
तो वो भी एक अच्छी बात है। 84% जो हमारे जीन्स हैं जो ह्यूमन डिजीज से एसोसिएटेड है वो इनमें पाए जाते हैं, तो हम उस डिजीज के बारे में भी जो है वो पढ़ सकते हैं। और क्या है, इनके पास यूनिक एबिलिटी है कि ये अपने हर्ट मसल को जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। मतलब इनके अगर हर्ट के मसल्स जो है वो डैमेज हो गए किसी तरीके से, तो ये खुद से उसे रिपेयर कर सकते हैं। सेल्फ रिपेयर की जो इनके पास क्वालिटी है वो होती है। तो उस बारे में भी साइंटिस्ट जो है वो पढ़ रहे हैं कि ऐसे कौन से इनमें जीन्स हैं जो एज अ मतलब एबिलिटी रखते हैं ये इनमें, तो वो उन जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिससे कि अगर ह्यूमंस में जो है वो इस चीज़ को अप्लाई कर सके, ताकि ये जो हार्ट अटैक होते हैं या हार्ट डिजीजेस कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से डेथ हो रही है हार्ट रिलेटेड डिजीजेस की वजह से या हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो जो है वो खुद ह्यूमंस भी उस चीज़ को रिपेयर कर सके। तो उसके ऊपर अभी स्टडीज चल रही हैं वही। और लास्ट यही कि इसका जो जीनोम है वो फुली सीक्वेंस्ड है, हाई क्वालिटी का है, तो और इजी हो जाता है पढ़ना। काफी सारे रिसर्च पर्पस है जिसके लिए जेब्रा फिश जो हमारी वो यूज की जाती है, जैसे कि टॉक्सोलॉजी में या फिर इन्वेस्टिगेशन करानी है हमें किसी फिनोटाइप की, उसमें जो हम जेब्रा फिश का यूज करते हैं। डिजीज मॉडलिंग या जेनेटिक मॉडलिंग में जो हम जेब्रा फिश का यूज कर रहे हैं। जेब्रा फिश एंड ओमिक्स जो है एक हमारा रिसर्च चल रहा है। उसके बाद अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़नी है, प्रोटियोमिक्स पढ़नी है, मेटाबॉलिक्स पढ़नी है, मतलब काफी सारे पर्पसेस के लिए जो है आज के टाइम पे जेब्रा फिश हमारी यूज हो रही है। अब वो क्यों यूज हो रही है वो सब मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। तो यही था हमें कि जेब्रा फिश के बारे में पढ़ना था कि जेब्रा फिश कैस क्यों हमारा मॉडल जो है इतना डिमांड में है। तो ये सब फीचर्स हैं इस वजह से जो हमारी जेब्रा फिश डिमांड में है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।